लाइव है चलिए भाई सबको गुड आफ्टरनून भाई चलिए भाई शुरू किया जाए चलिए भाई जरा इसमें एक, एक सवाल लिखते हैं आज का हमारा जो पहला सवाल है आज का जो पहला क्वेश्चन है ज़रा उस पर आते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है देखिए चलिए भाई गुड आफ्टरनून भाई सबको कल बात हुई थी ताश के पत्तों की कितने होते हैं बावन फिफ्टी टू ठीक है भाई और फिफ्टी टू कार्ड में देखिए भाई कल हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास टोटल जो है वो 52 कार्ड्स होते हैं ठीक ना ताश के पत्ते में टोटल हमारे पास बावन कार्ड होते हैं ठीक कल की बात और इन बावन कार्ड में क्या होता है थोड़ा इसको देख लो भाई ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है इन बावन कार्ड में क्या होता है कि हमने कल ही बोल दिया था कि छब्बीस कार्ड कैसे होते हैं छब्बीस कार्ड होते हैं रेड और 26 कार्ड आपके होते हैं ब्लैक ठीक ना 26 कार्ड आपके होते हैं ब्लैक है ना कल वाली बात ये ठीक है भाई 26 लाल 26 काले है ना काम चल जाएगा और इन जो 26 हमारे लाल कार्ड होते हैं इन 26 लाल कार्ड में सबको पता होना चाहिए भैया 13 कार्ड होते हैं आपके आ, पान वाले पान को हमने कल कहा था रेड हार्ड है ना पान का मतलब हो गया रेड हार्ट कार्ड हिंदी में कहेंगे उसको पान का पत्ता और बचे हुए जो हमारे 26 कार्ड होते हैं 13 कार्ड होते हैं ये तेरह कार्ड होते हैं ईंट वाले ठीक भाई तेरह कार्ड आपके होते हैं ईंट वाले ठीक है ईंट का नाम था डायमंड और इसका नाम था पान और इसके बाद जो है जो हमारे 26 में ये जो काले पत्ते होते हैं इनमें तेरह पत्ते होते हैं हुकुम के और हुकुम को कहा जाता है स्पेड कार्ड है ना काले वाले पान जो होता है और जो हमारे तेरा पत्ते होते हैं ये वाले जो अगले तेरा पत्ते हैं ये आपके हो गए हमारे आ, कौन से ये हो गए इनको हिंदी में कहते हैं चिड़ी वाला पत्ता ठीक है जिसको इसको भाई इंग्लिश में सुनना है तो बावन पत्ते बावन में छब्बीस रेड एंड छब्बीस ब्लैक आ, आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स रेड देर आर थर्टीन रेड हार्ट कार्ड एंड थर्टीन आर डायमंड कार्ड एंड आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स ब्लैक थर्टीन स्पेड एस पी ए डी एंड थर्टीन आर क्लब है ना सी एल यू बी क्लब कार्ड ठीक है बावन पत्ते और दो जोकर चलो भाई चलिए भाई बावन पत्ते और दो जोकर अच्छा इन तेरह पत्तों में क्या होता है हमने अभी आपसे कल ही कहा था इन तेरह पत्तों में एक पत्ता इक्का होता है एक पत्ता बादशाह का होता है किंग का एक पत्ता क्वीन का होता है और एक पत्ता ये गुलाम का होता है जे वाला और तेरह ईंट वाले में एक पत्ता इक्के का एस का एक पत्ता राजा का एक पत्ता क्वीन का और एक पत्ता जो है जे का और तेरा हुकुम में एक पत्ता हमारा एस का एक पत्ता जो है किंग का एक पत्ता क्वीन का और एक पत्ता आपका होता है जे का तेरा जो हमारे चिड़ी वाले पत्ते होते हैं इसमें भी एक पत्ता इक्के का एक पत्ता बादशाह का एक पत्ता क्वीन का और एक पत्ता जे का ये बात हुई थी हमारी कल तक ठीक है भाई ये हमारी बात हुई थी यहां पे कल तक बहुत ही प्यारा टॉपिक है मैथ का अच्छा टॉपिक है बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये वाला जो है और इसके बाद जो है अब जरा आज का एक पहला सवाल लिखो इस पर पहला सवाल लिखो कि इन हाउ मेनी वेज है ना इन हाउ मेनी वेज ध्यान देना भाई आपका ये हो गया और ये जो आपका ये इक्का होता है है ना ये होते हैं तो यहां पर एक देखो, एक देखो सवाल आ रहा हमारे पास एक हम सवाल आ रहे हैं इसमें एक जो सवाल लिखो भाई एक सवाल लिखो आज का जो हमारा पहला सवाल है कि फोर कार्ड्स आर चूजिंग यहां लिखा गया कि फोर कार्ड्स आर चूजिंग जरा पहले सवाल सुन लो फोर कार्ड्स जो है वो आर चूजिंग चार पत्ते चुने गए नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग फेस कार्ड और आगे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग है ना नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग फेस कार्ड चलिए भाई फेस कार्ड ये हमारा हो गया भैया जो है आज का हमारा पहला सवाल अच्छा भाई देखिए इसकी इसकी जो हिंदी आ रही है इसकी हिंदी है कि किसी गड्डी में से चार पत्ते चुने गए फोर कार्ड्स आर चूजिंग तो कहा गया कि भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग तो कितने विधियों से फेस कार्ड पाया जा सकता है जरा बताओ भाई सब लोग गड्डी में से चार पत्ते चुने गए है ना किसी गड्डी में से चार पत्ते फोर कार्ड्स चूजन देन हाउ मेनी वेज ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड गड्डी में से हमने चार पत्ते चूज किए हैं तो कितने तरीके से हम एक फेस कार्ड चेहरे वाला पत्ता पा सकते हैं ठीक भाई जल्दी बोलो भाई सबसे पहली बात तो जब भी आपसे कोई बोलेगा ये भैया फेस कार्ड फेस कार्ड का मतलब होता है कि ताश के पत्ते में जहां जहां चेहरा बना हो चेहरा कहां बना होता है इसमें बना होता है है ना राजा में एक यहां बना होगा एक यहां बना होगा एक यहां बना होगा इक्के में खाली ए बना होता है है ना और इसके बाद जो है ये देख लो आ, किंग ये वाला किंग क्वीन जैकल, यहां से ये यहां से ये यहां से ये इतने पत्ते जो होते हैं इनका नाम होता है फेस कार्ड जहां जहां भैया चेहरे बने होते हैं हमें चुनना है हमें पाना है हमें पाना है इसमें, है, इसमें से एक फेस कार्ड ठीक है फोर कार्ड कितनी कितने विधियों से हम चुन सकते हैं कोई बोल रहा है बारह बटे बावन है ना एक काम करो इसका जो सोल्यूशन होगा ना थोड़ा भाई पहले सवाल को समझ लो अच्छे से इसका जो सोल्यूशन होगा इस सवाल का इसका भाई सोल्यूशन आपके सामने कुछ ऐसे बनेगा कि देखिए हमारे पास टोटल हमारे पास टोटल जो है वो बारह पत्ते हैं तीन पत्ते ये तीन पत्ते तीन ये तीन ये कितने हो गए बारह मतलब अगर हमें फेस कार्ड पाना है क्योंकि हमको चार निकालना है तो हमें इन बारह पत्तों में से ये चार पत्ते लेने चाहिए है ना भाई तो हमें यहां पे लेना चाहिए जो है बारह तो ये देख लो भाई इसका उत्तर ये होगा कि हमारे पास टोटल जो है वो बारह फेस कार्ड हैं अगर हमें चार कार्ड चाहिए फेस वाले तो हम बारह में से हम बारह में से ये चार पत्ते चुने ये इसका आंसर होगा बारह सी फोर ठीक बाद में इसको आप चाहो तो हल्का सा ओपन कर लो अगर यहां बारह लिखा हो यहां चार लिखा हो तो इसको चार बार खोल देते हैं ये हो गया बारह ये हो गया इलेवन ये हो गया टेन और ये कितना हो गया नाइन और इस चार को भी खोल दो तीन बार तो ये हो गया चार तीन दो और एक ये इसको भाई काटा पीटी मार दो ये इसका उत्तर आ जाएगा तीन बाई तेरह बोलना गलत है बारह बटे बावन बोलना गलत है सवाल का भाव समझो पहले चार पत्ते चार पत्ते हमें चुनना है और वो चारों पत्ते फेस कार्ड हो फेस कार्ड तभी आएंगे कि जब हम तीन पत्ता ये तीन ये तीन ये तीन ये जब हमारा हाथ इन बारह पत्तों में लगे है ना यानी कि बारह पत्तों में से हम ये चार पत्ते चुने इसे काटा पीटी कर लो जो भी भैया इसका उत्तर आया हो इसे भाई काटा पीटी करो देखो ये हो गया फोर इंटू तीन बारह ये हो गया बारह और यहाँ से तुम्हारे पास ये आपके पास आ गया ये दो था तो ये दो ने इसे काटा होगा तो दो को इससे काट दो तो ये यहाँ पे ऐसे पांच बचा होगा और ये हो गया ग्यारह पचे पचपन पचपन इंटू नाइन तो नौ पचे पैंतालीस है ना और नाइन फाइव का फोर्टी फाइव और चार इसका जो है हासिल आया तो कितना हो गया कितना उनचास हुआ ना चलो भाई थोड़ा इसको चेक कर लेना हमारे हिसाब से इसका उत्तर चार सौ आना चाहिए ये ध्यान तीन बाई तेरह बोलना गलत था बारह बटे बावन ये सारी बातें बोलना गलत है सवाल का भाव समझो ये इसकी फोटो है फेस कार्ड केवल बारह होते हैं अगर हमें चार पत्ते चाहिए चेहरे वाले तो हमें बारह पत्तों में से हमें चार पत्ते चूज करने चाहिए राइट बारह सबको आ गया भाई चार पंचानबे चलिए भाई चार सौ की तुम्हारी बात आई चार सौ की आपकी बात आई भैया चलिए भाई सबको आ गया भाई काम चल जाएगा यही आएगा ना चार सो पंचानबे बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया अब चलो एक काम करो जरा इसको हटा दो जरा भाई इसको हटाओ चार सो पंचानबे के बाद और इसके बाद इस वाले फेस कार्ड को भी हटा दो है ना इसको भी हटाओ फेस कार्ड को हटाओ और इसके बाद जो है इसको भी हटाओ चलिए अगला जो हमारा सवाल बन रहा है इसके अंदर हमारा सवाल ये बनेगा कि फोर कार्ड्स आर चूजिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग और गेटिंग के आगे इसमें लिखा हुआ है कार्ड्स आर द सेम कलर लिखा हुआ है गेटिंग कार्ड्स लो भैया गेटिंग कार्ड्स ऑफ सेम कलर सेम कलर तो है ना चलो भैया कार्ड्स ऑफ सेम कलर कहा गया है कि ताश के पत्ते में से चार पत्ते चुने गए तो कितने तरीके होंगे जब आपके पत्ते सेम कलर के होंगे जब आपके पत्ते सेम कलर के हों हमें चुनना है इसके चार पत्ते जल्दी बोलो भाई सब लोग ताश के गड्डी में से हमें चार पत्ते चुनना है तो कितने तरीके होंगे कितनी विधियां होंगी है ना कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि जब हमें कार्ड्स ऑफ सेम कलर मिलेंगे हमें एक ही रंग का पत्ता मिले एक ही रंग के पत्ते मिले कितना बोलोगे भाई थोड़ा भाई सीख लो छब्बीस सी फोर छब्बीस सी फोर ध्यान रहे भाई ध्यान रहे हमें चार पत्ते चुनने हैं चार पत्ते सेम कलर के हों छब्बीस सी फोर लिख दे भाई सबका आ रहा है ना ट्वेंटी सिक्स तुम लोग कितना बोलोगे जल्दी बोलो भाई छब्बीस सी फोर एक काम करो जरा पहले यहां देख लो एक बात को जरा पहले यहां समझो तुम्हारे पास टोटल भैया जो है ये देख लो छब्बीस पत्ते होते हैं रेड वाले तुम्हारे पास छब्बीस पत्ते होते हैं ब्लैक वाले ठीक भाई अगर हमें सेम रंग चाहिए पत्तों का तो या तो हम 26 में से चुन लें लाल 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 चारों, या हम 26 काले में से ही चुन लें सारे काले काले है ना तो इसका मतलब हो गया कि या तो अपने या तो हमारे ये चार पत्ते सारे लाल वाले आ जाएं और या तो हमारे ये चार पत्ते सारे ब्लैक वाले हो जाएं तो हमने कहा कि भाई कि 26 में से या तो आप चारों पत्ते लाल चुन लो लाल वाले ये वाले या यहां लिख दो या आप 26 में से सारे पत्ते ब्लैक चुन लो ये वाले क्योंकि आपके पास बावन पत्तों में बंटवारा है दो दो खंड का एक रेड वाला एक ब्लैक वाला या तो आप अपने चार पत्ते लाल से ही उठा लो या अपने चार पत्ते या चार पत्ते आप इससे उठा लो ठीक है भाई इसका मतलब अच्छा एक बात हमने बोली होगी बहुत दिन पहले कि जब जब यहां पर एंड मिले प्रोडक्ट होता है और आज यहां पर और आ गया और हिंदी में या अगर ये बात आएगी तो हमारा प्लस हो जाएगा मतलब ये वाला प्लस ये वाला इसका मतलब हो गया कि डबल करके दो बार एक बार ये एक बार ये हमारा उत्तर बनेगा छब्बीस सी फोर अब भैया इसको घर में जाकर के इसको आप सॉल्व कर लेना जो भी इसका उत्तर आ जाए है ना हमारा उत्तर आएगा ये वाला प्लस ये वाला या तो ये चुने या तो ये चुने ट्वाइस ऑफ छब्बीस सी फोर ठीक भाई छब्बीस सी फोर का ट्वाइस है ना कितना आएगा उनतीस हजार नौ सौ है ना इसको आप जाओगे सॉल्व करोगे तो ये आपका दो आ जाएगा यहाँ पे देखो ठीक चार लिखा हुआ है तो छब्बीस को चार बार ओपन कर दो छब्बीस ये पच्चीस ये चौबीस और ये आपका हो गया तेईस और यहां नीचे चार को भी जो है चार बार खोलो चार तीन दो और एक इसको भाई काटा पीटी करना उनतीस हजार कितना नौ आएगा ना चलिए भाई टोटल विधियां होंगी उनतीस हजार नौ ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड देखो यहां पर पहली बार देखो यूज हुआ है या का या तो हम लाल चुने या तो हम काला चुने या तो लड्डू खाएं या भैया पेड़ा खाएं तो जब आपका दिल कहे कि भाई लड्डू खाएं या पेड़ा खाएं आप वहां प्लस करोगे लड्डू खाएं और पेड़ा भी खाएं तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे आपका यह सवाल था या वाला या मतलब या तो लाल चुनोगे या काला चुनोगे सबको आ गया भाई ये बात सबको आ गई बहुत ही बढ़िया बात है सारा डेटा यहां देख लो ठीक है सवालों का उत्तर यहां देखो सारा भाई डेटा यहां देखो सवालों का उत्तर यहां देखो ठीक है भाई सबको आ गया उनतीस हजार नौ सौ चलिए भाई अब जरा इसको भी हटा दो इस वाली बात को हटा दो और इस वाली बात को हटा दो बहुत ही भाई प्यारी बात है आज की ये वाली सवाल नंबर देखो हमारा तीसरा आ रहा है हमारा सवाल नंबर आया भैया देखो तीसरा इसमें कहा गया कि फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स चार पत्ते निकाले गए देन नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अब गेटिंग के आगे लिखा हुआ है गेटिंग के इसमें आगे लिखा हुआ था कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स यहां पर लिखा है कार्ड्स सवाल समझो पहले कार्ड्स बिलोंग टू कार्ड्स बिलोंग टू ये लिखा हुआ है डिफरेंट एस यू आई टी एस है ना कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स इसका मतलब हो गया है कि चार कार्ड निकाले गए तो कितने विधियों से कितने विधियों से ये अलग अलग बॉडी से आ सकते हैं अलग अलग खंड है ना शूट का मतलब हो गया है अलग अलग, अलग खंडों से हमें चार कार्ड चुनना है और ये चारों कार्ड अलग अलग, अलग कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट है ना पार्ट्स डिफरेंट खंड कितने होंगे चलिए भाई सबको आ गया भाई काम चल जाएगा अब एक काम करो अगर हमें डिफरेंट जो है अगर हमें ये डिफरेंट जो है वो ये चाहिए तो डिफरेंट सूट के लिए इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंट खंड तो हमारे पास जो है बावन कार्ड में डिफरेंट जो है सूट कितने होते हैं ये एक पान वाला होता है एक ईंट वाला होता है एक हुकुम वाला होता है एक चिड़ी वाला होता है हमारे बावन पत्तों में जो हमारे पास जो जो चार खंड होते हैं चार पार्ट होते हैं ना ये सूट्स होते हैं ये हमारे होते हैं थर्टीन पान वाला ईंट वाला हुकुम वाला और छिड़ी वाला अब हमें वो चारों पत्ते चाहिए अलग अलग खंडों से मतलब एक पत्ता पान का हो एक पत्ता ईट का हो एक पत्ता हुकुम का हो एक पत्ता हमारा चिड़ी का हो तो इसका मतलब हो गया कि तेरा पान में से लो भाई इसका उत्तर बनेगा कि तेरा पान में से एक पान ले लो और और मतलब प्रोडक्ट तेरा डायमंड में से डायमंड ले लो तेरह में से एक डायमंड ले लो और फिर तेरा स्पेड हुकुम में से एक ये ले लो और फिर क्या करो कि तेरह छिड़ी में से आप जो है एक छिड़ी ले लो ये हो गया और जहां जहां ये तेरा सी वन आता है इसका नंबर हमेशा वही तेरा आता है तेरा सी वन हमेशा तेरा होता है तेरा सी वन हमेशा तेरा तो ये तुम्हारा जो उत्तर बनेगा ये आपका उत्तर बनेगा बहुत ही बड़े नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं है ना कर पाओ तो कर लेना तो एक बार दो बार तीन बार चार बार तो टोटल हमारा उत्तर हो जाएगा तेरह की पावर कितना चार तेरा की पावर चार इसका आया होगा उत्तर इसका जो हमारा उत्तर आया होगा ये आया होगा हजार इसको आप करके देख लेंगे, ये आया होगा अट्ठाईस हजार पांच होगा इकसठ तरीके होंगे जब आपका आप गैम्बलिंग करते समय है ना जुआ खेलते समय ताश पत्ते खेलते समय दिवाली में आपके पास चारों खंडे चारों खंड में चारों सूट्स में आपके पास एक लाल एक काला एक स्पेड वाला एक चिड़ी वाला ये चारों पत्ते आएंगे तेरह की पावर चार अट्ठाईस हजार पांच सौ इकसठ सबको आ गया भाई बहुत सुंदर भाई बहुत सुंदर काम चल जाएगा ठीक भाई चलिए भाई तो ये आपका हो गया ठीक है भाई काम चल जाएगा है ना तो जब भी आप जो है एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन हमें चार पत्ते निकालने हैं चारों पत्ते बिलोंग टू डिफरेंट शूट्स का मतलब होता है अलग अलग खंड के हो चार पत्ते अलग अलग, अलग खंड हमारे खंड कितने होते हैं बावन पत्ते में तेरा पान होता है तो तेरा पान में से एक पान ले लो तेरा ईंट होता है तेरह ईंट में से एक ईंट ले लो तेरा स्पेड और हुकुम का होता है एक हुकुम ले लो तेरा जो है क्लब और इसका होता है तो आप तेरह में से एक ये ले लो इसमें ये देख लो ये इसका उत्तर हुआ सबको आ गया भाई काम चल जाएगा ठीक है भाई तो अगर कोई सवाल आता है कार्ड वार्ड का सिस्टम तो थोड़ा सा इसको देखना इसको और अच्छे से करेंगे जब पढ़ा रहे होंगे प्रायिकता इसका ध्यान दिए रहना ये वाली बातें एक बार दोबारा फिर आएंगी जब हम टॉपिक लेकर आएंगे प्रोबेबिलिटी ठीक है ना चलिए भाई अब जरा एक काम करो जरा अगली बात पर आ जाओ भाई अगली बात हमारे पास ये आ रही है ठीक है भाई सबको आ गया ठीक है और अब जरा एक काम करो बहुत ही सुंदर चीज है एक अच्छी सी चलिए भाई देखिए देखो ये एक सवाल आया आपका पेपर में जरा ये सवाल लिखो ये सवाल आया एग्जाम के अंदर है ना भाई सवाल क्या था भाई इसमें सवाल इसमें क्या था कि एक बार एक सवाल आया उसमें देखो ऐसे बना हुआ था ध्यान देना भाई ऐसे बना हुआ है फिर उसके बाद इसमें इसके अंदर एक ट्रायंगल ऐसे बनाया गया थोड़ा भाई ध्यान देना इस चीज का एक ट्रायंगल ऐसे बनाया गया ठीक और फिर कहा गया फिर सवाल में यहां पर लिखा जा रहा है कि देयर आर थ्री कलर्स यहां लिखा है देयर आर थ्री कलर्स देयर आर थ्री कलर्स हमारे पास तीन रंग हैं इन हाउ मेनी वेज तेन दिस बी डन कहा गया कि इन हाउ मैनी वेज सवाल सुनो भाई इन हाउ मैनी वेज इन हाउ मैनी वेज और इसके आगे लिखा हुआ है कि नो टू एडज ट्राइंगल्स है सेम कलर इन हाउ मैनी वेज नो भाई बड़ा बढ़िया सवाल है ये नो no टू और ये लिखा हुआ है एडजेसेंट एडजेसेंट ट्रायंगल या कलर कुछ बोलेंगे इसमें एडजेसेंट इन एडजेसेंट ट्रायंगल हैव द सेम कलर टू एडजेसेंट ट्रायंगल हैव सेम कलर ध्यान देना भैया हैव सेम यहां पे लिखो हैव सेम कलर यहां पर लिखो हैव सेम कलर जल्दी भैया बोलिए सब लोग देखो भाई इसका बोला गया कि देर आर थ्री कलर्स इन हाउ मेनी वेज नो टू एडज ट्राइंगल्स हैव सेम कलर इसका हिंदी होगा कि हमारे पास टोटल तीन रंग हैं कहा गया कि हमारे पास टोटल तीन कलर हैं ठीक है टोटल हमारे पास रंग हैं तीन ठीक है भाई टोटल हमारे पास तीन रंग हैं कितने तरीके से हम इन ट्रायंगल को पेंट करें कि दो पास पास वाले इसका मतलब हुआ पास पास वाले दो पास पास वाले त्रिभुज के रंग सेम ना होने पाए दो पास पास वाले त्रिभुज के रंग सेम ना होने पाए हमारे पास तीन कलर हैं दिए गए फिगर को हम कैसे पेंट करें कैसे इसको हम रंगे कि किसी भी ट्रायंगल में जो ट्रायंगल पास पास हैं एडजेसेंट हैं वो सेम कलर के ना होने पाए जल्दी बोलो भाई सब लोग जल्दी बोलो इसको हम कैसे पेंट करें कि को कि तीन कलर में कोई भी दो कलर पास पास ना आने पाए जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। Probability, जल्दी बोलो भाई दिए गए यहां पे फोटो में दिए गए फिगर में जल्दी बोलो भाई हमारे पास तीन कलर हैं तो कितने तरीके से इसको हम पेंट करें कि पास पास वाले दो ट्रायंगल के कलर सेम ना हो जाएं दो होगा नाइन होगा जल्दी बोलो भाई देखो आया सवाल है ये पेपर का ये एग्जाम का भैया आया सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है ये इसका ध्यान देना भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी का रंग सेम सेम ना हो देखो एक काम करो एक काम करो भाई इसमें देखो हमारे पास देखो यहां पे रंग हैं कितने तीन यहां सुनो भाई ध्यान से यहां पर देखो हमारे पास टोटल भैया रंग हैं कितने तीन देखो हमारे पास यहां पे भैया रंग हैं हमारे पास तीन है ना देखो भाई हमारे पास तीन रंग है ये देख लो मान लो एक नीला हो गया एक देखो ये एक नीला हो गया इस वाले को बोल दो भैया एक देखो ये लाल हो गया है ना और एक हम कुछ और ले लें चलो एक हम यहां से ये काला ले लें ब्लैक ले लें ले ले। चलिए भाई मान लो हमारे पास जो है यहाँ पे तीन रंग हैं, कहा गया हमारे पास तीन कलर हैं, और इन तीन कलर में हम इसको यहां कैसे कैसे भरें कि कोई भी दो ट्रायंगल का कलर सेम ना हो तो एक काम करो पहले सबसे पहले देखो सबसे पहले इस वाले कॉलम को भरो बीच वाले को क्योंकि यही ट्रायंगल ऐसा है जो तोड़ सकता है आपस में सबको अगर तुमने शुरुआत यहां से की तो हो सकता है कि कुछ खतरा पैदा हो यहां 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 पर तो सबसे पहला काम करो कि इस वाले ब्लॉक को यहां से तोड़ो ठीक है भाई इस वाले ब्लॉक को तोड़ो यहां सुनो पहले यहां तोड़ो तो इन इन तीन कलर में से कोई भी कलर ध्यान देना भाई इन तीन कलर में से कोई भी कलर आप यहां भर सकते हो इन तीन में से कोई भी कलर आप यहां भर सकते हो तो इस वाले कॉलम को भरने का इस एक कॉलम को भरने का हमारे पास कितना प्लेस है तो इस वाले कॉलम को हम यहां पर इन तीन रंगों में से किसी भी एक रंग से भर सकते हैं हमारे पास ऑप्शन कितने तीन तीन, तीन. चाहे यहां नीला भरो चाहे यहां पे तुम लाल भरो चाहे यहां पे काला भरो अब क्या होगा कि फिर जो रंग आप यहां भर दो वो वाला रंग फिर ना तो यहां हो ना तो यहां हो ना तो यहां हो मतलब इन तीन रंगों में से आगे क्या होगा और इन तीन रंगों में से जो रंग यहां भर गया हो उसको ना भर के बचे हुए दो रंग कोई उनको चाहे यहां भरो चाहे यहां भरो चाहे यहां भरो तो इस वाले कॉलम को इसके बाद बचेंगे दो रंग और फिर इस कॉलम के लिए बचेंगे दो रंग और फिर इस कॉलम के लिए बचेंगे उसी में से बचे हुए दो कलर तो ये पहला कॉलम तीन तरीके से फिर जो तुमने रंग यहां पे डाल दिया हो फिर वो वाला रंग यहां 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 पे ना आए तो ये वाला ये वाला ये सारे वहां से आपस में अलग अलग हो जाएंगे कितना हो गया लिख दो इसका भैया उत्तर आएगा चौबीस तरीके कितना आएगा थोड़ा भाई समझ लो बड़ा छोटा सवाल है कितना आएगा चौबीस तरीके भाई चार नहीं आएगा चौबीस तरीके भैया इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज थ्री सी फोर कान बी सॉल्व थ्री सी फोर तो भैया होना ही नहीं है, है ना इस वाले उसमें फोटो में सुनो भाई मान लो ये ये गुड्डू ये सोनू और ये राजू सवाल में कहा गया कि यार ये ये गुड्डू राजू सोनू कभी पास पास ना आए तो हमने क्या किया हमने पहले इनको भर दिया हमने कहा भाई इस वाले कॉलम में चाहे तुम नीला भरो चाहे लाल भरो चाहे काला भरो कोई एक रंग यहाँ पे आप डाल दो तो पहला वाला कॉलम भरने के कितने रास्ते हैं फिर जो रंग यहां पे भर दो अगर आपने ठीक है अगर आपने नीला यहां भर दिया तो फिर वो नीला ना तो यहां जाएगा ना तो यहां जाएगा ना तो यहां जाएगा तो फिर जो यहां भरा हो तीन में से उस एक रंग को हटा दो तो कितने बचेंगे तो दो रंगों में से चाहे यहां भर दो और चाहे यहां भर दो और चाहे यहां भर दो तो एक डिब्बा वो है वहां दो रंग एक डिब्बा ये है वहां दो रंग एक डिब्बा ये है यहां भी दो रंग ठीक पहले वाले के लिए तीन रंग चौबीस तरीके कितना आया चौबीस ठीक भाई काम चल जाएगा जरा भाई अगली बात पर आ जाओ इसको हटाओ ये बात भाई सबको आ गई है ना काम चल जाएगा चलो भाई इसको भी हटा दो ठीक भाई सबको आ गया काम चल जाएगा बोलो ज़्यादा आती ठीक भाई चौबीस आएगा चौबीस चौबीस चलिए तो भाई जरा आगे लिखो अगली बार लिखो भाई जरा जरा एक सवाल लिखो बढ़िया सा यहां पे लिखो कि इन हाउ मेनी वेज जरा पहले सवाल सुनना यहां लिखा है कि इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज थ्री गर्ल्स एंड नाइन बॉयज यहां लिखा है थ्री गर्ल्स और यहां लिखा है नाइन बॉयज भाई बहुत बढ़िया सवाल है है ना नाइन बॉयज बी सीटेड इन टू वैन्स यहां लिखा है बी सीटेड यहां लिखो बी सीटेड इन टू वैंस बी सीटेड इसकी हिंदी बोल रहे हैं अभी इन टू वैंस बी सीटेड इन टू वैन ठीक भाई सीटेड इन टू वैंस और आगे लिखा है ईच हैविंग थ्री आगे लिखा हुआ है टू वैंस और यहां लिखा हुआ है ईच हैविंग इसकी हिंदी बोलने रुक जाना अभी ईच हैविंग थ्री फ्रंट थ्री फ्रंट एंड फोर बैक सीट फोर बैक सीट्स फोर बैक सीट्स पहले पूरा सवाल सुन लो आगे लिखा है कि इन हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट कहा गया कि इफ थ्री गर्ल्स सिट टूगेदर इन बैक रो, तो कहा गया है कि इफ थ्री गर्ल्स आगे लिखा है कि इफ थ्री गर्ल्स सिट इन बैक रो, इन बैक रो, एडजेसेंट, एडजेसेंट तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने होंगे देखो भाई सवाल में कहा गया बड़ा ही भाई प्यारा सवाल है और एग्जाम का आया सवाल है जरा भाई सवाल को ध्यान दो इस सवाल के समझने का मतलब है कि बहुत सारी बातें जो है मन में आ जाएंगी सुनो एकदम सिंपल सवाल जैसे पहले छोटे बच्चे जाते थे स्कूल वैन में है ना कहा गया इसमें इस सवाल में कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज थ्री गर्ल्स एंड नाइन बॉयज बी सीटेड इन टू वैंस ईच है और कहा गया कि लड़कियों ने कहा कि ए थ्री गर्ल्स सिट इन बैक रो एडजेसेंट तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इसका हिंदी हो जाएगा कि कितने तरीके से हिंदी सुनो इसकी भाई सवाल में कहा गया सवाल में कहा गया है कि कि इन कितने तरीके से तीन लड़कियां और नौ लड़के कार में बैठ सकते हैं यदि हमारे पास दो वैन है और प्रत्येक वैन में तीन सीट आगे है और चार सीट पीछे है और लड़कियों ने कहा कि भैया हम तो पीछे वाली सीट में ही बैठेंगे और पास पास, पास बैठेंगे एडजेसेंट पास पास है ना तीनों है ना तीनों गर्ल्स ने कहा कि हम भैया पीछे बैठेंगे और पीछे बैठ के यहाँ पे साथ साथ बैठेंगे तो टोटल कितने अरेंजमेंट कितने रास्ते हो सकते हैं जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो भाई जल्दी सवाल बोलो इसका उत्तर इसका भाई उत्तर बोलो जल्दी से कितना आएगा देखो भाई सुनो ये आपका हो गया भैया यहाँ से सल्यूशन बहुत ही भाई प्यारा सवाल है अच्छा सा कहा गया भाई हमारे पास देखो वैन है टू है ना देखो भाई हमारे पास देखो वैन है टू ध्यान देना भाई सवाल का देखो एक वैन हमारे पास ये वाली है और देखो एक वैन हमारे पास ये वाली है देखिए भाई बिल्कुल भाई शांत रहो है ना हमारे पास देखो यहाँ पे दो वैन है और इस दो वैन में हमारे पास जो है कुछ सीटें ऐसे आगे हैं ये वाली और इसके बाद क्या हुआ कि ये देख लो इसमें कहा गया कि भाई तीन सीटें तीन सीटें हमारे पास आगे हैं एक सीट ये वाली एक सीट ये वाली और एक सीट ये वाली लेकिन चार सीट पीछे हैं एक ये देखो यहां पर ये दो एक यहां पर बना हुआ है तीन और एक ये बना हुआ है चार इस वाली बैन में एक सीट यहां है एक सीट यहां है ये भाई देखो पेपर का आया सवाल था ये ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया कई जगह कई एग्जाम की परीक्षाओं में देखो ये है हमारा ये हम देखो हमारे वैन ये हो गया वैन वन और ये हो गया भैया जो है ये हो गया है वैन टू कहा गया हमारे पास भैया यहाँ पे टोटल वैन है टू और प्रत्येक वैन में सीटें हैं सात सात तीन सीट आगे और चार सीट पीछे दो बहन हमारे पास देखो ये लड़कियां जा रही हैं तीन और लड़के जाने वाले हैं कितने नौ no. लेकिन लड़कियों ने अचानक बोल दिया भैया इन तीन लड़कियों ने कहा कि भैया हम तो भैया पीछे बैठेंगे और साथ साथ बैठेंगे हम पीछे बैठेंगे और साथ साथ बैठेंगे तो ये अरेंजमेंट कैसे होगा देखिए भाई तीन लड़कियां हैं अब ध्यान देना बहुत अच्छे से देखो तीन लड़कियां हैं इन तीन लड़कियों ने कहा भैया हम जो है पीछे बैठेंगे और जहां बैठेंगे हम भैया साथ साथ बैठेंगे स्कूल की तरह तो ये तीन लड़कियां जो हैं अब ध्यान देना ये तीन जो लड़कियां हैं ना ये तीन लड़कियां या तो सीट नंबर एक दो और तीन बैठ जाएं यहां पर एक रास्ता और या तो फिर ये लोग बैठना ही चालू करें दो तीन चार में भाई इनकी जो शर्त है भैया हम जहां बैठेंगे हम भैया साथ बैठेंगे और तीन ही लोग हैं और यहां सीट कितनी है चार चार तो इन्होंने कहा भैया हम पीछे बैठेंगे अच्छी बात है इन्होंने कहा कि हम जहां बैठेंगे भैया साथ बैठेंगे इसका मतलब हुआ इसका सीधा मतलब हो रहा है कि लड़कियों ने कहा कि भैया हम पीछे बैठेंगे और एडजस्टेंट बैठेंगे साथ साथ बैठेंगे इसका मतलब हुआ कि भाई तुम तीन लोग या तो फिर सीट नंबर एक दो तीन पकड़ो और या तो फिर सीट नंबर दो तीन चार पकड़ो तो इन लड़कियों के लिए एक वैन में कितनी व्यवस्था है दो बार की और यही व्यवस्था यहां चालू हो जाएगी या तो यहां 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 बैठो और या तो यहां 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 बैठो इसका मतलब हुआ है कि दो व्यवस्था यहां है और दो व्यवस्था यहां पर है इसका मतलब हुआ है कि भाई टोटल हमारे पास जो है ये दो और दो चार लिख दें हमारे पास टोटल चार व्यवस्था हुई लड़कियों के लिए यहां पर लेकिन लोग क्या करेंगे लोग बोलेंगे भाई ठीक है चाहे एक दो तीन बैठा दो यहां बैठा दो वहां दो यहां लेकिन ये तुमसे किसने कहा कि अगर मान लो यहां पर सोनी मोनी और टोनी बैठी तो सोनी मोनी टोनी ने यह कब कहा कि भैया पहले सोनी बैठेंगी फिर मोनी बैठेंगी फिर टोनी बैठेंगी कल को मान लो उन तीन सीटों में सोनी मोनी टोनी उल्टा घूम जाए ये इन तीन सीटों में हो सकता है कि ये सोनी मोनी टोनी ऐसे ऐसे बैठ जाए तो जो क्रम होंगे वो कभी सोनी मोनी टोनी कभी टोनी मोनी सोनी कभी सोनी मोनी टोनी कभी टोनी मोनी तो ये चार तो हमारे पास इसकी व्यवस्था है सिस्टम है इन चार सिस्टम के बाद ये तीनों लड़कियां अपने आप को फैक्टोरियल तीन तरीके से अदला बदली कर सकती हैं तो चार तरह के अरेंजमेंट में ये लोग फैक्टोरियल तीन तरीके का अपना अरेंजमेंट कर सकती हैं फैक्टोरियल तीन अरे भाई इन्होंने कहा इन्होंने इनों, कहा कि मान लो मान लो कैट का सी था मान लो कोई बोले ठीक है आप ध्यान दो कैट का सी है ए है टी है कैट के सी ए टी ने कहा कि भैया हम जहां जाएंगे भैया साथ साथ जाएंगे तो तुमने कहा भैया एक काम करो कि सी ए टी बना दो हमने कहा अच्छा कल को कल को कोई सी को ए टी बोल दे कल को कोई टी ए सी बोल दे कल को कोई टी सी ए T, C, A, बोल दे कल को कोई जो है ए टी सी बोल दे इन्होंने खाली ये कहा कि भैया हम ए टी सी जहां बैठेंगे हम साथ बैठेंगे तो ये जो आपने चार लिखा ये चार तो इनका ये दो दो तरह का अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट में सोनी मोनी टोनी टोनी मोनी सोनी मोनी टोनी सोनी सोनी मोनी टोनी ये लोग ऐसे ऐसे घूमेंगे उसके घूमने का सौ बार बोला होगा कि उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल तीन ठीक या तो भाई इसको मान लो और नहीं तो भाई फिर बैठ करके सोनी मोनी टोनी और टोनी मोनी सोनी और मोनी टोनी सोनी और टोनी मोनी सोनी और सोनी गुड्डू राजू जब आप ऐसे करोगे तो कितने पाओगे छह पाओगे तो तो ये वाली बात तुमको बार बार न बोलनी पड़े सीधे मारो फैक्टोरियल तीन राइट फिर क्या होगा एंड लेकिन टोटल बारात में जाने वाले लोग कितने हैं टोटल बारात में लोग जा रहे हैं नौ तीन बारह लोग और तुम्हारी बारात वाली बोलेरो गाड़ी में सीटें कितनी हैं सीटें हैं चार तीन सात एक बोलेरो में और सात एक बोलेरो में तो टोटल चौदह सीटों में तीन लड़कियां या तो यहां बैठी होंगी और या तो यहां बैठी होंगी तो चौदह सीटों में तीन सीटें भैया भर गई तो सीटें बची कितनी ग्यारह तो अब बची हुई ग्यारह सीटों में बचे हुए नौ लड़कों को तुम्हारा जहां मन करे यहां 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 जहां जहां खाली मिल जाए है ना उठा के भैया इनको ठूसो फिर है ना चार और तीन और ग्यारह और सीटों में बैठाने को ही बोलते हैं परम्यूटेशन चुनने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन खाली चुन लो सी और इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है परम्यूटेशन तो 11 सीटों में क्रम से बैठा दो दैट इज परम्यूटेशन कितने लोगों को नौ लड़कों को दोनों बैन में तुम्हारा जहां मन करे 11 सीटें खाली हैं और इसमें से परम्यूट कर दो अरेंजमेंट कर दो पी कर दो कितने बच्चों को नौ बच्चों को तो ये तुम्हारा हो गया चार और ये फैक्टोरियल तीन का मतलब होता है तीन दो एक कितना हो गया छे कितना हो गया छे. ये छे तुम्हारा वही है सोनी टोनी मोनी मोनी टोनी सोनी मोनी गुड्डू राजू लड्डू पेड़ा ये केला है ना गुड्डू राजू राजू गुड्डू केला केला राजू मोबाइल वही है वो तो चाहे इसको ऐसे गिनो बैठ करके घंटो या इसको वही ठीक आप ऐसे बोल दो और ग्यारह पी नौ का मतलब होता है एनपीआर का फार्मूला होता है कि फैक्टोरियल ग्यारह लिखा करो और डिवाइड कर दिया करो ग्यारह माइनस नौ फैक्टोरियल दो इसको भैया काटा पीटी मार दो जो भी आएगा ये होगा तुम्हारे सवाल का आंसर. ठीक? मतलब देना. अगर यहां लिखा है, है ग्यारह तो इस ग्यारह इसका मतलब होता है कि आप इसको चाहो तो घर में कर लेना इसको आप जो है इतना ही छोड़ सकते हो ये लो इसका उत्तर जो है आप इतना ही छोड़ दो चौबीस इंटू एंड फैक्टोरियल टू काटा पिटी कर लेना ठीक है भाई रिंकी चिंकी पिंकी चलिए भाई हां बैठेंगे बैठेंगे भाई बैठा लो बैठा लो भाई इसका भाई ध्यान देना तीन लड़कियों ने कहा था भैया हम जो है भैया पीछे बैठेंगे तो वो या तो यहां बैठेंगी या तो यहां बैठेंगी या तो तीन यहां बैठेंगी या तीन यहां बैठेंगी चार तरीके से और बाद में ये रिंकी सोनी मोनी है ना बाद में रिंकी सोनी मोनी और चाहे रिंकी सोनी मोनी ये लोग अपने आप को ऐसे उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उसी उल्टा पुल्टा का मतलब होता है फैक्टोरियल तीन तरीके ये कर लिया और बाद में भैया जो है टोटल जो है चार तीन सात सात सीटें यहां हैं सात सीटें यहां हैं चौदह सीटों में तीन लड़कियां सोनी गुड्डी रबीना यहां बैठ गई सीटें कितनी बची ग्यारह चौदह में तीन भर गई ग्यारह बची बच्चे कितने हैं नौ इन नौ बरातियों को ठूस ठूस के यहां भर दो ग्यारह में नौ जगहों में बैठा दो दैट इज कॉल्ड इलेवन पी नाइन काटा पीटी कर लेना ठीक है भाई हाँ जा रही जा रही चलिए भाई ठीक भाई बढ़िया सवाल था जरा इसको हटा दो और इसको भाई घर में एक बार वीडियो देखना कई बार अच्छे अच्छे से बहुत ही प्यारा सवाल था ये अच्छा सा और इसके बाद भाई ये तुम्हारी कहानी हो गई और इसके बाद अच्छा भाई ये हो गया और इसके बाद जरा एक सवाल जो है और यहां पे लिख लो अगली बात को एक सवाल और लिखो बढ़िया सा एक सवाल और लिखो देखो एक सवाल बहुत ही प्यारा सा आ रहा है अभी टाइम बचा है बढ़िया सा देखिए भाई एक सवाल जो है वो बहुत ही बढ़िया सवाल आ रहा बहुत ही प्यारा सवाल ये देखो भाई जरा ऐसे बना दो ये बनाओ और इसके बाद जो है इसमें बना दो चार कॉलम लो भाई जरा यहां बना दो एक कॉलम ये बना दो जरा एक कॉलम ये बना दो ऐसे और जरा एक कॉलम यहां से ये बना दो इसके बाद पांच कॉलम बनाओ एक दो तीन चार पांच इसके बाद जो है पांच कॉलम ये बनाओ एक यहां बनाओ रोज ये बनाओ दो ये बनाओ यहां से तीन और ये बनाओ यहां से चार ये एक बनी हुई थी इसमें फोटो है ना इतने कॉलम की इसको बना लो इसमें हमारे पास एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये यहां पे लोग हैं है ना ये यहां पर ये पर हमारे पास इतने लोग हैं टोटल और इसमें कहा गया था कि यहां बना हुआ था ए इसमें जो है ये यहां लिखा हुआ था ए और ये यहां लिखा हुआ था बी बढ़िया सवाल है एग्जाम का भैया आया सवाल लो भाई एग्जाम का आया सवाल ये लिखा हुआ था और सवाल में कहा गया एन आंट इज वॉक फ्रॉम ए टू बी यहां लिखा है चलो इसमें इस लिख दो ये लिखा हुआ है गुड्डू यहां पे लिखा हुआ भैया गुड्डू वांट्स टू वॉक ए टू बी यहां लिखा है ए टू बी गुड्डू को गुड्डू को ए से बी तक जाना है है ना ये गुड्डू है गुड्डू वांट्स टू वॉक फ्रॉम ए टू बी गुड्डू को ए से बी तक जाना है और जब गुड्डू ए से बी तक जाएंगे तो इसमें कहा गया है कि गुड्डू कैन टेक ओनली राइट आर अपवर्ड स्टेप आगे लिखा है एंड ही कैन टेक आगे लिखा है ही टेक ओनली यहां लिखा है ही टेक ओनली राइट आर अपवर्ड एंड अपवर्ड स्टेप्स लो भाई कहा गया कि भाई गुड्डू को से बी तक जाना है गुड्डू को जाना है से बी तक और फिर कहा गया कि ही कैन टेक ओनली राइट आर अपवर्ड स्टेप वो केवल या तो दाएं जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे मतलब बाएं मुड़ना बेकार है या तो गुड्डू दाएं जाए या गुड्डू ऊपर जाए है ना ये कहा गया और फिर इसमें कहा गया है कि आगे लिखा हुआ है डिटर्मिन द नंबर ऑफ टोटल पाथ पॉसिबल यहां कहा गया है कि टोटल पाथ विल बी टोटल पाथ पॉसिबल तो ऐसे कितने रास्ते होंगे गुड्डू के ए से लेकर के बी तक पहुंचने के ऐसे कितने रास्ते हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल आया सवाल है भैया ये बहुत ही प्यारा सवाल बढ़िया हाँ सा जल्दी बोलो भाई मतलब गुड्डू जो है वो कितने रास्ते से ये जो गुड्डू हैं वो कितने तरीके से ए से बी तक पहुंच सकते हैं और गुड्डू से कहा गया कि या तो आप भाग सकते हो राइट या तो आप भाग सकते हो ऊपर है ना गुड्डू कैन टेक अपवर्ड स्टेप गुड्डू या तो जो है भाग सकते हैं गुड्डू या तो राइट स्टेप ले सकते हैं या तो फिर अपवर्ड स्टेप ले सकते हैं और कहा गया गुड्डू को ए से बी तक पहुंचना है तो टोटल नंबर ऑफ वे, वेज या पाथ कितने होंगे बताओ भाई कितने जल्दी बोलो भाई गुड्डू जो है वो कितने तरीके से यहां से यहां तक पहुंचे होंगे ये सवाल है जल्दी बोलो भाई जल्दी से बोलो भाई ग्यारह पी नाइन का मतलब होता है ये रुक जाओ भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जिस जिसको भाई पुराने वाले सवाल में ग्यारह पी नाइन का मतलब समझ में नहीं आया था ग्यारह पी नाइन पी का मतलब होता है परम्यूटेशन हिंदी का नाम होता है पी का हिंदी का नाम होता है क्रमचय ये भैया पुराना सवाल है जिसने पूछा कि भैया हमको जो है भाई ग्यारह पी नाइन का मतलब बता दो मतलब तो पी का मतलब होता है परम्यूटेशन हिंदी का नाम क्रमचय और हिंदी का नाम क्रम से चयन क्रम से चुनो जैसे तुम पी में जाओ जैसे आप पी में गए और पीवीआर में सीटें हैं ग्यारह और लोग कितने हैं नौ तो ग्यारह लोगों को नौ सीटों में क्रम के साथ अच्छे से हम कैसे बैठाएंगे इसी का नाम है ग्यारह पी नाइन अगर आप ठीक पिक्चर हॉल में जाओगे तो पिक्चर हॉल में जाने के बाद जो है आप ग्यारह सीटों में आप नौ सीटों में कैसे बैठाओगे यही है आ गया भाई सबको आ गया ये वाली बात ठीक है ना ग्यारह पी नाइन ग्यारह ग्यारह सीटें थी और ग्यारह सीटों में आप कैसे बैठाओगे पिक्चर हॉल के अंदर ठीक भाई अच्छा अब जरा यहां पर आ जाओ गुड्डू से कहा गया था कि भाई आपको यहां से वहां तक आना है तो या तो आप या तो आप ऐसे राइट आओगे या तो तुम या तो तुम एक कदम आ सकते हो राइट और इसके बाद या तो तुम जा सकते हो ऊपर या तो तुम फिर जा सकते हो राइट या फिर आप जा सकते हो ऊपर या फिर आप जा सकते हो इधर या फिर आप जा सकते हो इधर और इसके बाद जो है कुछ गड़बड़ हुई कहीं पर है ना एक कदम दो कदम ये तीन ये चौथा ये पांचवा ये छठवां एक दो तीन चार पांच छ और या तो आप जा सकते हो यहां से जाकर के या तो आप जा सकते हो इधर और इसके बाद आप जा सकते हो इधर या फिर आप जा सकते हो इधर मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ आप चाहे किताबी इसमें से उल्टा उल्टा भाग लो है ना ये देख लो आप चाहे इसमें ऐसे से भागो या फिर एक एक कदम दो कदम तीन कदम चार राइट मार दो या फिर ऊपर मार दो मतलब ये कहा गया कि तुम या तो राइट मारोगे या तो ऊपर मारोगे अब तुम्हारा मन है भैया आप एक दो तीन चार ऐसे मार दो या फिर इधर 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 ऐसे 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 निपटा दो आप ठीक है तुम यहां कितना भी कर लो ऐसे उल्टा पुलटा तुम कितना भी घूम लो आप जो है वो जैग करते हुए आप टोटल ए से लेकर के बी तक एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ तरीके से पहुंच सकते हो लेकिन जरूरी नहीं कि जो हमने ये रास्ता बनाया ये वाला नौ ये तो भैया सोच हमारी सोच है ना ये तो ये तो ये तो ये जो पास हमने यहाँ पे लिया है ये भैया हमारी सोच है अगला बंदा आएगा वो भैया जो है ऐसे मार देगा कुछ अगली बात आ जाएगी अगला बंदा आएगा वो दो कदम ऐसे मार देगा फिर दो ऐसे मार देगा फिर, फिर दो ऐसे कर देगा दो ऐसे कर देगा तो ये तो जो आपने ये नौ कदम यहां देखे हैं ना ये नौ कदम हमारे अपने कदम है हमने कहा भैया टोटल हमारे पास एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ हम टोटल नौ कदमों का सहारा यहां पे ले सकते हैं तो इसका मतलब हो गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे भैया ध्यान देना हम टोटल फैक्टोरियल नौ तरीके ये क्यों आया क्योंकि ये हो सकता कि आप ये जिक जैक कई तरीके से मार दो तो ये आपके नौ रास्ते रास्ते भर उल्टा पुलटा होते रहेंगे तो जैसे आपने बिल्ली बनाया था सी एटी और आपने कहा था ठीक है सी ए टी में तीन अक्षर हो गए है ना तो सी एटी आपने क्या लिखा था फैक्टोरियल तीन तो यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ रास्ते हैं वो नौ रास्ते वही बिल्ली की तरह भागते रहेंगे तो जब तुमने कैट को तीन बोला तो यहां पे आपके नौ रास्ते हैं क्या बोलोगे नाइन और इन नाइन रास्तों में ये रास्ता एक जैसा है 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 तो एक बार दो बार तीन बार चार बार चार रास्ते आपके एक जैसे होते हैं स्पेलिंग बनाते समय हमने कहा था कि जितने अक्षर सेम मिलेंगे हम उतने से क्या करेंगे हम उतने से इसको डिवाइड करेंगे और पांच रास्ते एक ऊपर वाला दो ये तीन ये चार ये पांच पांच रास्ते एक जैसे हैं तो इन करके फैक्टोरियल पांच ये इसका उत्तर होगा फैक्टोरियल नाइन होता है नौ आठ सात छ पांच एक और ये चार होता है चार तीन दो एक पांच होता है पांच चार तीन दो एक जब इसको आप काटा पीठी मारोगे तो इसका उत्तर आ रहा है एक सौ एक सौ छब्बीस इसको भाई समझ लो बड़ा ही भाई ये अच्छा सवाल है भाई मैथ का ठीक भाई ये बहुत ही भाई बढ़िया सवाल है वाली बात कि आपने टोटल एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ मारे तो ये आपके नौ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं ये नौ स्टेप पूरे ब्लॉक में कहीं भी हो सकते हैं तो ये पूरे नौ स्टेप घूमते रहेंगे उसी घूमने का ही नाम होता है फैक्टोरियल और इस फैक्टोरियल में एक ये दो, ये दो तीन ये चार कदम दाए वाले हैं एक साइड के हैं और यहां पर ये एक, ये एक दो ये तीन ये चार ये पांच ये पांच आपके एक साइड के हैं तो चाहे स्पेलिंग बनाना हो चाहे गिनती बनाना हो चाहे रास्ते बनाने हो जहां जहां सिमिलर बातें आएंगी हमको उससे भाग देना पड़ेगा जैसे हमने एन डबल ई नीम बनाते समय वहां पर दिया था ठीक भाई कितना आ जाएगा ये आपका आएगा 126 चलिए भाई कल मुलाकात होगी और कल मिलते हैं किसी एक जो है नए टॉपिक के साथ कल का टॉपिक होगा या तो टाइम एंड वर्क या तो होगा परसेंटेज ठीक भाई आज चलते हैं बाय बाय लव यू ऑल टेक केयर जय हिंद